मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओबीसी आरक्षण पर दिए गए फैसले पर ओबीसी महासभा नाराज है। इसे लेकर ओबीसी महासभा की तरफ से आज मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है। ग्वालियर में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता शहर बंद कराने के लिए सड़कों पर निकले और लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की। देखिए ओबीसी महासभा का मध्य प्रदेश बंद बुलाया गया है और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि ग्वालियर में भी ये बंद का आह्वान किया गया है और यहाँ पर ये ओबीसी समाज के लोगों की, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की जो टोलियां हैं वो भी शहर में निकली हुई है। क्या कर रहे हैं आप लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं आप? क्या देखिए, आज ओबीसी महासभा के तत्कान में मध्य प्रदेश बंद का कॉल किया गया था, जिसमें ओबीसी की हिस्सेदारी शिवराज सिंह सरकार के द्वारा खत्म की गई थी, उसके विरोध में हम लोगों ने आज ग्वालियर बंद करा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बंद करा रहे हैं। हमारे व्यापारी भाई भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, वो बंद करने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश सरकार से बोलना चाहता हूँ, यदि हिस्सेदारी नहीं देगी तो 2023 में और नगरीय निकाय चुनाव में उस ओबीसी वर्ग का हमारे बदला लेकर रहेगा अपनी हिस्सेदारी को लेकर। तो आम आदमी पार्टी ने भी सहयोग, आम आदमी पार्टी ने सहयोग किया है। सब जो पिछड़े वर्ग को शिवराज सिंह चौहान जी मूल बनाने का प्रयास कर रहा है, आज आम आदमी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी हुई है और इस सरकार को इस चुनाव में खत्म करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। शिवराज सिंह की आगे हम लोग विदा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ओबीसी सभा के लोग हैं, महासभा के लोग हैं, ये प्रदर्शन करने के लिए निकले हुए हैं, दुकानों को बंद करा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार उनका क्या है कि हिस्सेदारी उनको चाहिए, उसके बाद ही वो मानेंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिक और IBC 24।